इन सब को जानने के लिए हम इस वक्त अवध ओझा के गोडा के घर में मौजूद हैं। वो लोग घर में घुसने ही नहीं देते, खेत में घुसने नहीं देते, वही खटकते थे उन लोगों की आंख में कि इनको समाप्त कर दे तो सब हमारा है, ईटा जोर करके कभी बना ले, कभी हम लोग वैसे ही रह जाएं। मंदिर में 5 साल रहे तो आज भी रोते हैं, कहते संतोष तुमने जो झेला ये शायद कोई झेले। तो भी कौन? अच्छा, मारने के लिए कहा? हाँ, 7 बार बेल्ट निकाला। जो ने कहा कि खेत में क्यों खंभा गाड़े हो, क्या क्या नाम था, क्या नाम था उसका, मतलब असली विलन वो है आप लोग नहीं? हम विलन क्यों रहेंगे, हम अपन धन केवल कहते हैं कि घर और खेत हमें चाहिए, और तो कुछ मिला ना, ना जेवर गहना मिला भैया। अच्छा, तो बड़ी भयन तब हमें लोग का भगा ही दिए, मान लो तो 9 साल 8 कह हो गया तब तो हम भगा दिया, तब तो हमें जेवर का दे, हमारे पास ना जेवर ना गहना कुछ नहीं। अवध ओझा के उस घर की तस्वीर जो घर खंडहर में तब्दील हो चुका था, वहां उनके परिवार के लोगों से कुछ हमने बातचीत भी की तो उन्होंने कई विसंगतियां हमें बताई। अब उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो भी हम समझेंगे। दरअसल वहां कहा गया कि अवध ओझा यहां कभी आते नहीं हैं, उनकी माँ आती हैं, डराती धमकाती हैं, तो हम उनके माँ के पास ही इस वक्त बैठे हुए हैं क्योंकि हम ये तो जाने कि कैसे धमकाने जाती हैं, क्या करती हैं वो, क्या इसके पीछे सच्चाई है या कोई मनगढ़ंत कहानी। इन सब को जानने के लिए हम इस वक्त अवध ओझा के गोडा के घर में मौजूद हैं, जहां उनके माता पिता रहते हैं। देखिए, पिताजी भी बैठे हुए, माता जी बैठी हुई हैं, और आप देख सकते हैं। माता जी, तो सबसे पहले आपसे हम सवाल पूछेंगे कि कल हम गए, वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, है ना? देखा। वो लोग कैसा बता रहे थे कि वो आती है, पुलिस लेके आती है, कहती है बहुत डराती धमकाती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम तो कभी नहीं डराते हैं, वो लोग घर में घुसने ही नहीं देते, खेत में घुसने नहीं देते, खेत खुद कब्जा कर लेते हैं। अगर खेत में जाओ, चारों तरफ से तार बांधे, आगे टीप धरे, खेत में जाओ तो कहते हैं यही मार देंगे। अच्छा? पैसा तुम्हारा खेत। कौन कहता है मारने के लिए? वही लोग, दोनों पार्टी कहते हैं। अच्छा? दोनों पार्टी कहते हैं, ये पार्टी नहीं, दोनों पार्टी कहते हैं। दोनों पार्टी बराबर कहते हैं। जो बार बार, मतलब ये चीज हमने देखी कि अवध ओझा के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे, मतलब अवध ओझा कह रहे थे वो तो अच्छे हैं, वो चाचा है हमारे, वो तो बढ़िया है, वो तो भाई है हमारे, वो सिर्फ आपको आपको विलन साबित कर रहे थे। इसीलिए वो ठीक कर रहे थे, क्योंकि अवध ओझा को मैंने इन लोगों के बीच में ज्यादा मिक्स नहीं होने दिया, नहीं पढ़ना पाता उसको, मैं रिजर्व रखती थी पढ़ाई टाइम में, फिर बाहर भेज दिया पढ़ने उसी का नतीजा आज के अवध ओझा। हाँ, बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। आज वो जो ओझा ये भी नहीं जानते कि मेरे खेत का मेड़ किस तरफ है, क्योंकि वही खटकते थे उन लोगों की आंख में कि इनको समाप्त कर दे तो सब हमारा है, इसलिए वो है, लेकिन आज आते हैं तो जाते हैं। अच्छा, अवध ओझा एक वीडियो में ये कह रहे थे कि हमारे माँ बाप ने बहुत परेशानी झेली है। हाँ, बहुत परेशानी। हमारे माँ बाप को गांव से निकाल दिया गया निकाल था। दिया गया। ये सवाल हमने पूछा वहां जाके, लेकिन वो लोग कह रहे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात ऐसी नहीं। जब बंटवारा हुआ तो जो जिन्होंने बांटा, इनके माँ बाप ये बहुत छोटे थे तभी मर गए थे। अच्छा, थे नहीं चाचा चाची पाले तो वही बांटे। जब वो बांटे तो केवल 30 छटाक चावल और 2 भेली दे दे सबका बांट दी। ओह महा, मैं लोग दोनों जने भगाए दिन रात में 12 बजे रात के हम लोग भग के आए। कब की बात है आपको याद है? किस की बात? ये 62 की बात है दादा। आपको याद है कब वहां से आए? 62 की लड़की है भैया, कोई छुयो ना, जाने दो। अच्छा, जाने दो। तो हम लोग हम और टिकरी स्टेशन तक पहुंचाया और हम लोग वहां से निकलने के बाद निकलने के बाद वहां से आपको भगा दिया। हाँ, भगा दिया। क्या कहा कि भाग जाओ यहाँ? यहाँ तुम लोगों का क्या रखा है, जाओ तुम लोग यहाँ से। अच्छा, क्या करोगे? हम लोग सब कुछ छोड़ करके कुछ नहीं लाए, जो कपड़ा पहने थे वही पहन के हम दोनों आ गए। राशन पानी कुछ नहीं, कुछ स्कूल भी है भितरी टिकरी। अच्छा, तो वही पर बदमाश मिले तो हम दोनों आदमी जानते थे, तो उन लोगों ने हमको टिकट तक पहुँचाया। अच्छा, पहुंचाया भी। अच्छा, ये वहाँ के बाद आप लोग कहाँ गए फिर? मतलब फिर वहाँ के बाद हम लोग नवाबगंज गए। नवाबगंज एक चपरासी की कोठरी थी, वही में हम रहते थे। पांड्या बाबू एक पोस्ट मास्टर थे और वो बेचारे हम लोगों का मतलब देखभाल करते थे। एक गुप्ता जी थे, उनकी माँ बहुत आती, छोटी बच्ची है और इसको भैया वो देखा करो कि खाना वाना पाई कि नहीं। हम लोग ये ईटा जोर करके कभी बना ले, कभी हम लोग वैसे ही रह जाए, नहीं खाए, क्योंकि कुछ लाए तो थे नहीं, जब रहे तो खाए, ना रहे तो ना खाए। अच्छा, जब आप लोग वहां से निकले, निकाला गया, हाँ, तब क्या सर्विस लग गई थी? हाँ, ये पति की थे? उस समय ये तार बांटने का काम करते थे। अच्छा, हाँ। कितना पैसा मिलता था उस समय? 70 रुपए मिलता था उस समय। 70 रुपए मिलता था।
फिर उसके बाद आप लोग आगे गए, आगे की जर्नी कैसी रही? आगे की जर्नी फिर इनकी बदली हो गई बड़गांव डाखानी में, तो हम लोग चले आए गोंडा। अब गोंडा कहाँ जाए, तब हम दिन भर महिला अस्पताल में बैठते थे बिंच पर, और रात में, रात में स्टेशन पर एक उस समय मेरे पास एक साल था। अच्छा, तो उस साल को हम लोग बिछा ले। कौन सा स्टेशन? रेलवे स्टेशन गोंडा का। गोंडा का वही बिछा ले, प्लेटफार्म टिकट भी ना ले, डरे रहे और बिछा ले, और दोनों आदमी वही गए, हमारे नाथ बात हमारे घर वाले। कितने दिन तक आप रेलवे? 15 दिन। 15 दिन लगातार 15 दिन। और नहाना धोना कहाँ होता था? वही नहा धो लिए, कपड़ा ले ही नहीं गए, क्या नहा दो, तब नहाने कितना कहाँ हमको वो रहता था कि नहीं नहाना जरूरी जरूरी। तो जब एजुकेशन पढ़ा तो हर चीज पढ़ा वहाँ। अच्छा, तो नहीं फिर ये मतलब कैसे लगा कि मतलब पढ़ना चाहिए और बच्चों को? वही बता रहे हैं, आए जब हम लोग तो एक सतीश बाबू बताया है नेवी, उन फोरबिसगंज वो हमको ले गए वहीं अस्पताल से। तो उनकी लड़की सरला सक्सेरिया में पढ़ती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इनसे कहा भैया नाम लिखा दीजिए इनका सक्सेरिया में। कितने साल की हो गई थी उस समय? उस समय हम थे 9-9.5 साल की थे। मतलब एक साल की बात की बात है, 8.5 में आपको वहां से निकाल दिया। हाँ, और एक साल बाद आपको पढ़ने का विचार आया। तो एक हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमारी टीसी बनाई 5वीं की, वहाँ नाम लिखाया था और वही टीसी आया, सक्सेरिया में मेरा नाम लिखा गया और यहाँ हम 7वीं तक पढ़ा। 7वीं तक पढ़ाई? 7वीं तक यहाँ पढ़ा। अच्छा, अवध ओझा का जन्म किस समय हुआ? इनका जन्म हुआ 76 में भैया, 76 में। अच्छा, तब इंटर में थे आप? हाँ, इंटर में। हाँ, हम इंटर में थे, इंटर में थे। तो उस वक्त कहाँ रह रहे थे आप? बलरामपुर थे हम लोग। बलरामपुर पोस्टेड थे वो? हाँ, ये बाबू किराए कमरे पे रहते थे। हाँ, डाकखाने में पोस्ट बाबू थे। मतलब आप लोग घर से निकाले गए? हाँ। तो पहले आप लोग जो है नवाबगंज रहे? हाँ, नवाबगंज में, गोंडा में रहे, फिर गोंडा में रेलवे स्टेशन में 15 दिन रहे। हाँ, फिर एक सतीश श्रीवास्तव के यहाँ रहे। हाँ, फोरबिसगंज। फिर उसके बाद नवसारा में एक मंदिर है, मंदिर में भी रहे, मंदिर में 5 साल रहे। 5 साल मंदिर में? मतलब मंदिर में कमरा वमरा था या मंदिर है नीचे? मंदिर रहा, एक कमरा रहा, तो हम पूजा करते थे। और सक्सेरिया का नाम सुना होगा जी? शौली मोहन डॉक्टर का नाम। तो जिले के अध्यक्ष रहते थे। हाँ, लेकिन बगल में मंदिर था, सुर नारायण तिवारी एक थे डाकखाने में वो भी। लेकिन वो लोग तो कुछ और कहानी बता रहे थे। नहीं, तो उन्हीं ने दे दिया हम लोग को 5 रुपया किराया, लेकिन हम लोग 5 भी नहीं दे पाए। अच्छा, मंदिर में? हाँ, मंदिर में। और केवल पूजा हम करते थे, पूजा करें 5 साल। अच्छा, जब 5 साल तो अवध ओझा थे? नहीं थे, हम 7वीं में पढ़ रहे थे, तब हम 7वीं पढ़ रहे थे। अवध ओझा तो पैदा हुए जब हम बलरामपुर गए। जब बलरामपुर में मतलब क्या था, बलरामपुर किराए पर रहते थे? हाँ, किराए पे रहते थे हम। गर्ल्स कॉलेज में मतलब हम लखनऊ से आ गए थे, हॉस्टल में हम। हॉस्टल में आप रहते थे? हाँ। और आप कहाँ रहते थे? डाखाने पे रहते थे। डाखाने में सो जाते थे? क्वार्टर लेते थे। अच्छा, डाखाने में क्वार्टर आपको मिला था। आप हॉस्टल में रहते थे, मतलब पढ़ते भी थे, बच्चों को भी पालते थे। बड़ा संघर्ष किया आपने जीवन में? बड़ा संघर्ष। मतलब इतना आसान नहीं होता 8.5 साल की उम्र। दरअसल जो कहानी हमें वहां पता लगी, गांव में जाके, ओझा का पुरवा गांव है वो, उससे ज्यादा दर्दनाक कहानी तो ये है कि 8.5 साल की एक लड़की जिसकी शादी हो गई हो। दादा रोइए मत, ये तो आज भी होते हैं, कहते हैं संतोष तुमने जो झेला ये शायद कोई झेले। बहुत ही मार्मिक दृश्य है ये। मैं इसे शब्दों में कैसे बयां करूं, कल मैं वहां गया था, वहां जिस तरीके से कहानियां बताई गई, जिस तरीके से बातें बताई गई, उसमें तो विलन आपको साबित कर दिया गया था, लेकिन अभी जो चीजें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, बगल में पिताजी अवध ओझा के बैठे हुए हैं, माँ भी बैठी हुई हैं, इन्हीं को विलन बनाया गया, उनके बारे में तो कुछ ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन ये समझ में आता है कि संघर्ष क्या होता है। 8.5 साल की उम्र जिसमें शायद समझ बहुत कम होती है, उस समय हमको लगता है शायद खेलने कूदने के दिन होते हैं। उस खेलने कूदने के दिन में घर से बाहर चले जाना, घर से बाहर निकाल दिया जाना, धक्के मार के निकाल दिया जाना कि जाओ तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। बलरामपुर हॉस्टल में थी, स्कूल में। बलरामपुर हॉस्टल में दिन बिताए, पढ़ाई की, संघर्ष किया, बच्चे को पढ़ाया, बच्चे ने आज नाम भी कर दिया। आज अच्छा खुशी होती है कि मियां बीवी हैं? कोई नहीं जानता। अच्छा, हमारा संतोष तिवारी लिखा रहा है, ये गार्जियन रहा है, तो लोग भाई बहन है। अच्छा, हाँ, यही अक्सर यहाँ तक कह दिया कि शादी करा दो, लड़के से शादी करा। अच्छा, आपकी शादी करा दे? डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपकी बीवी नहीं है, लेकिन चूंकि चौपड़ा
चपरासी। अच्छा, कह रहे कि आपकी बीवी नहीं है, कहो तो लिख दे कि बीवी है। दवाई दवाई अच्छा लिखा कि लिखते थे और उनके बाप जो है आगरा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, पुराने दिनों को आप याद करते हैं और आज का दौर है कि आज तो सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न आप हो गए हैं ईश्वर की कृपा से। अब आपकी दया से हमको 40,000 पेंशन मिलती है। अच्छा, 40,000 पेंशन भी आ रही है, सब कुछ है, एक सफलता भी हो गई, बेटा इतना नाम कमा रहा है, बेटे की हर जगह चर्चा होती है, कैसा महसूस करते हैं दादा आप? बहुत अच्छा करते हैं कि चलो ईश्वर ने कष्ट दिया तो सुख भी दिया, है ना, सब उसी के हाथ में है। कष्ट देगा सुख जरूर देगा, मतलब धूप छाव है, अगर धूप आई है तो छाव जरूर आएगी, दुख आया है तो सुख जरूर आएगा, जरूर आएगा, परिवर्तन होगा। और जिन लोगों ने प्रताड़ना दी है, जिन लोगों ने परेशान किया, वो आज दुखी थे, उनको और रहेंगे दिन, अभी दिन दिन रहेंगे, ये भी हम कह रहे हैं। इसलिए कि हम लोग झूठ नहीं बोलते, इस पर हमारा लड़का मतलब गर्व से कहता है, जब ये हमारे लड़के से शिकायत की है। अच्छा, एक चीज और सामने आती थी कि और तो जो आपने वीडियो में कहीं में कहा कि उन्होंने वेटर का काम किया है, कैसा था वेटर का? अब वो दिल्ली में जब वो गए पढ़ाई करने तो नहीं, ये गए पढ़ाने कोचिंग में, तो कोचिंग में कोई बात हुई, हमने इनको गाजीराव में कोचिंग कराया था, आईएएस इन्होंने निकाला, एशियन दास में कोचिंग कराया, पढ़ाई नहीं हो, ये गए थे वहाँ कि हम अपन कोचिंग खोलेंगे, तो कोई परेशानी हुई, शादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में उस कोचिंग में ये गए थे दुकानदार मिलने, अब मैं इस पद पर हूँ, दुकानदार बहुत खुश हूँ दिल्ली वाला, जो वो मतलब जहाँ जहाँ वो वेटर का काम करते थे, खुद करते थे, दो महीना दो तीन महीना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जैसे मान लो की इंटर में आप पढ़ रही थी उस समय, तो हो गए थे बहुत हो जा, फिर कैसे मैनेज करती थी आप? एक नौकरानी रखे थे तो वो इनका देखभाल करती थी और हम पढ़ने चले जाते थे, आते थे तो अपना वो करते थे। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, जब एलएलबी में मैंने नाम लिखा तो मेरे एक बेटी भी थी तो जाए तो बहुत तंग करता था, मतलब रोए कि हमको भी ले चलो। अच्छा, तो गाली देखो। अच्छा, कि हमको छोड़ के जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, तो बस अड्डे पर उनको 5 रुपया दे दें हम और बस पर बैठ ले चले जाएं, पढ़ना करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो जाए तो 2 दिन रुकते थे, केवल 2 दिन रुके, क्लास अटेंड करें, सर लोगों से मिले और माता जी लोगों से मिले, हॉस्टल जाएं, फिर वहां से चले आए। अच्छा, वो लोग ये भी कह रहे थे कि हमको रास्ता नहीं दे रहे हैं, इधर से निकलने का पास कहीं रास्ता नहीं, जहाँ बैठे थे वो मेरी ही दलान की 9 फुट हमको दिए थे। अच्छा, 9 फुट अपना लिए थे तो कमरा बना लिए, तो उस पर मुकदमा भी चल रहा है तो ना, अभी बताते जो खंडहर है तो जो वो बताए वो सही है, वो जो हमारे दूसरे वाले पार्ट वाले जे बांटा हम लोगों को, वो बहुत बेमान निकले, वो तो सारी संपत्ति लिए, इनके बाप का अपना जो सब ले गए और मकान का 5,000 मुआवजा भी लिए, हमने नहीं दी, जो सच्चाई है उन्हीं ने दिया 5,000, पंच बटुरे दस्तखत हुआ तो कहीं हम अपन ईटा खपड़ा उतन लिए, अपन हिस्सा उतनी हमारो हिस्सा उतन लिए। अच्छा, हमारो उतन लिए और ओकरे बाद अब मुकदमा इन है, मेन फरीक इनको बना के दायर किया है बंटवारा। अच्छा, अब एक मकान दुई रहा, एक माँ अपना चला गया, एक माँ हमें दुई जने दिन, तो दुई जने का देखभाल आधा उतीन लिहीन, अब जमीन खाली बची, वो होकर 5,000 मुआवजा ले लिहीन, अब मुकदमा दायर, ये उन लोगों ने किया, ये सत्य। अच्छा, एक चीज लेकिन हम बार बार पूछे, हमने वीडियो दिखा के भी पूछा, चीजें पूछी कि बताओ कि क्या उनके माँ बाप को भगा दिया गया था गांव से, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। कैसे बोलते, गांव अगर पूछते आप गांव वाले से तो वो सच्चाई बताते, वो बगल में ही कुआं के इस तरफ सब लोग रह रहे हैं, उन लोगों से वो जो कुआं छोटा सा, हाँ, उन लोगों से पूछते, हम उन्ही लोगों के घर रुकते थे, एक हार जो ऐसे गली गई है वो हमारे कजिन बुआ के सब लड़के हैं, उन लोगों से वो वही लोग कहते हैं वही तू धन्य हो जो इस। अच्छा, वो एक आए थे, क्या नाम था उनका? राकेश तो नहीं, राकेश क्या नाम था आदर्श उनका? वो बता रहे थे कि हमारी बहन लगती है। हाँ, बस 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 उन्हीं के घर रुकते थे, उन्हीं के घर रुकते थे, वही जब जाते हैं तो कहते बहनी तू धन्य हो, अपने घर जे जात है मेरे साथ, चाहे पुलिस जाए तो बुला लेते हैं, चुप रहो जेल भेजे हैं तो वही चाय पानी पिलाते हैं। अच्छा, अपने द्वारे वही पिलाएंगे। एक हमारे कजिन सिस्टर थी नारायण ओझा हैं और वो कोई जगह वो हैं, वो सब हमारे पिताजी के सब रिश्तेदार हैं, उसी रिश्तेदारी में मेरी शादी हो गई थी, तो वो लोग मानते हैं, गांव वाले हमको बहुत मानते हैं। अच्छा, ये जो विवाद है, हाँ, या वो क्या लगता है कैसे सुलझ सकता है गांव वाला? हाँ, अब वो लोग ही चाहते हैं भैया कि हम खेत भी छोड़ दें, हम घर भी छोड़ दें, जो है सब उनको दे दें। लेकिन देने के लिए भी कोई निदान होता है, ठीक है, अगर हमारे साथ आप अच्छा व्यवहार करे होते या आज करते,
अच्छा, आज भी नहीं करते? अब कह तो रहे गए तो सात बार पेटी निकाला, कहते रहे दादी दादी कह के हम लोग जो है सात बार पेटी निकाला। हमारा ड्राइवर सामने था, कोई ये भी नहीं कि झूठा हुआ। और उसने कहा बाबू आप चलो, क्या मार दे तो हमारे लोग की हालत बिगड़ जाएगा, हम लोग भी कहूँ। अच्छा, मारने के लिए कहा? हाँ, सात बार बेल्ट निकाला। जो ने कहा कि खेत में क्यों खंभा गाड़े हो। क्या नाम था, क्या नाम था उसका? वो चंचल अतिशय। हाँ, अतिशय अतिशय। हाँ, वो बेल्ट निकाला, बेल्ट सात बार। किसको मारने के? हमको मारने के लिए सात बार बेल्ट निकाला। बस अच्छा। यही कहे थे कि खेत आप तो देखे नहीं, मेल नहीं बांधने देते हैं ना ये तरफ ना वह तरफ, कि सब उसी में जो हमारे खेत में आते जाते रहे और सब फैला रहे जोते रहे ना जोते। तो